हाँ नमस्ते बच्चों। तो देखो कल मैंने कहाँ छोड़ा था, बातें कम करेंगे आज अपन, ठीक है? अपने जो टॉपिक है उस पे चलते हैं। तो देखो कल मैंने कहाँ छोड़ा था, कल आपको मैंने बताया था कि लो बीपी क्या होता है, यानी कि रक्त वाहिनियाँ जो है उस रक्त वाहिनियों के ऊपर यदि दाब जो है वो क्या हो, कम हो, तो उसकी वजह से क्या होगा। कम का मतलब यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था, लिख देता हूँ, ठीक है? तो देखो यदि जो रक्त वाहिनी है और रक्त वाहिनियों के ऊपर जो दाब है वो यदि कम हो तो उससे क्या होगा कि शरीर के प्रत्येक भाग तक जो रक्त है वो नहीं पहुंच पाएगा और उसकी वजह से हमारे जो अंग है वो क्या हो सकते हैं, क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, ठीक है? तो देखो आगे हम पढ़ाते हैं। हाई बीपी, इधर देखो अपना टॉपिक जो बचा था वो बचा था हाई बीपी। तो देखो उच्च रक्तदाब, उच्च रक्तदाब, हाँ भाई, अगर मैं बात करता हूँ सामान्य व्यक्ति, तो जो सामान्य व्यक्ति होता है उस सामान्य व्यक्ति का जो रक्तदाब होता है वो कितना होता है, 92/120 mm ऑफ Hg। ये वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि जो नॉर्मल व्यक्ति होता है उस नॉर्मल व्यक्ति का जो रक्तदाब होता है वो कितना होता है, 90 से 120। यदि मान लो ये रक्तदाब 120 से ऊपर यदि चला जाता है तो इसका मतलब क्या है, उस व्यक्ति की जो बीपी है वो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। अब हाई बीपी अगर होती है तो लो बीपी से इतनी ज्यादा सिम्टम नजर नहीं आते। लो बीपी से नॉर्मली क्या होता है, थकान महसूस होती है, उसको चक्कर वगैरह आने लग जाते हैं, ठीक है? अचानक से वो व्यक्ति अपने आप को कमजोर फील करता है, ठीक है? लो बीपी के अंदर तो क्या होता है कि व्यक्ति अपने आप को कमजोर फील करता है, ठीक है? और उसके अलावा अपने आप में थकान फील करता है, ठीक है? और उसको नींद सी आती है और अपने आप को ऐसे लगता है कि उसके अंदर ऊर्जा नहीं रही। तो इसके अंदर तो नॉर्मली क्या है कि वो बेड रेस्ट करेगा या फिर एनर्जी बूस्टर लेगा या नमक चीनी का घोल लेगा, तो उससे क्या होगा कि उसकी जो बीपी है वो क्या होगी, लेवल में आ जाएगी। लेकिन ये वाली जो चीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि कई प्रकार के जो सिम्टम हमारे को दिखाई देते हैं। जनरली क्या है कि हाई बीपी, आप समझ गए होंगे कि यदि रक्तदाब जो है धमनियों के अंदर या शिराओं के अंदर बहने वाला जो रक्त है, यदि उस रक्त का जो दाब है उन धमनियों पर या शिराओं पर, तो वो जो दाब है यदि वो बहुत ही ज्यादा होता है। अब ज्यादा होता है इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो कि हो सकता है कि धमनियों की दीवारें मोटी भी तो हो गई होगी चर्बी की वजह से या वसा की वजह से, या मान लो अत्यधिक मात्रा में कोई नशे का वो सेवन करता है, ठीक है, तंबाकू का सेवन करता है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, धमनियों की जो दीवारें होती है वो क्या होती है, मोटी हो जाती है। अब जब मोटी हो जाएगी तो भैया जो रक्त है वो पंप करेगा हृदय, तो पंप रक्त दाब तो अत्यधिक दाब से बहेगा। अब ये दीवारें होगी मोटी तो ये इसका जो व्यास है वो क्या हो गया, कम हो गया, कम हो गया तो यहाँ पे दाब क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है ना? ओके, तो ज्यादा क्या होगा, रक्त दाब होगा और उसकी रक्त की जो स्पीड है बहुत ज्यादा होगी। अब आप जानते हो भाई कि यदि रक्त की जो स्पीड है वो ज्यादा है तो कुछ भी हो सकता है, अरे हार्ट अटैक भी तो आ सकता है। अचानक से रक्त प्रवाह जो है वो तेज हो गया बॉडी के अंदर, उसका जो शरीर है वो गर्म हो गया बहुत ज्यादा, उसके बेचैनी अनुभव होती है, उसको बहुत ज्यादा क्रोध आता है, उसके सर पे पसीने आने लग जाते हैं, ठीक है, वो चिड़चिड़ा सा हो जाता है, गुस्सा आता है उसको बहुत ज्यादा। उसके अलावा एक चीज और होती है तो उसका सर फटने लग जाता है, उसके माइग्रेन की शिकायत रहती है, जो एक दर्द होता है जो यहाँ पे इस तरीके से अपने जो गर्दन होती है यहाँ पे दर्द उठता है और बार बार यानी सतत वाइब्रेट करता है वो, थोड़ी देर के लिए आएगा फिर रुकेगा फिर आएगा फिर रुकेगा, तो बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। तो ये चीज़ें जो होती है वो इस हाई बीपी के अंदर देखने को मिलती है। कई बार तुमने देखा होगा एक मुहावरा चलता है, कहावत चलती है, अरे भाई बीपी लो हाई मत कर अपनी, तो बीपी हाई मत कर, इसका मतलब क्या है कि यदि आप बीपी हाई करोगे तो आप अपने आपे से बाहर हो जाओगे, और आपे से बाहर होने का मतलब है व्यक्ति को गुस्सा आना है। तो ये चीजें जनरली देखने को मिलती है। एक नॉर्मल जो आदमी होता है ना जिसको कभी बीपी की शिकायत नहीं रहती है, वो आदमी भी इसको सफर करता है, कई बार क्या होता है उसके ऐसी कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है, या किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो वो भी टेंशन में आता है, बहुत ज्यादा क्रोध करता है, गुस्सा करता है, तो उस दौरान भी ये जो प्रॉब्लम है आपको दिखाई देगी, ठीक है? तो क्या होता है कि जो हाई बीपी होती है उस हाई बीपी के अंदर रक्त दाब जो है वो ज्यादा हो जाता है, और उसकी वजह से व्यक्ति जो है उसमें क्या क्या सिम्टम दिखाई देते हैं, क्रोध, गुस्सा, चिंता, चिड़चिड़ापन, ठीक है, और उसके अलावा तापमान में वृद्धि, तापमान में वृद्धि है ना, डर भी थोड़ा उसको लगता है कई बार, ओके,
और उसके अलावा क्या होता है, सर दर्द, ठीक है, इत्यादि जो चीजें हैं वो आपको देखने को मिलती है। उसके अलावा एक और चीज जिसको मैं कहता हूँ हार्ट अटैक। ओके, ये तो ऑब्वियसली होगा कि भाई एक चीज बताओ, तेज गति से रक्त प्रवाह हो रहा है, शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंच रहा है, अब वही रक्त जो है वो उसी गति से वापिस वापिस हृदय के अंदर भी तो आएगा, गति तो वही रहेगी, कि उसी गति से तेज गति से वो प्रवाह होकर वापिस हृदय के अंदर आ रहा है। हृदय कह रहा है भैया रुक, तू थोड़ा आराम से मुझे दे, आराम से मेरे को भरने दे, तू रुक, और वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और रुकने का अगर नाम नहीं लेगा तो हार्ट जो होता है उस हृदय के अंदर भी रक्त के अंदर क्या होता है, भरने में अनियमित आती है, और उसकी वजह से व्यक्ति जो है वो मृत्यु हो सकती है। उसके अलावा जैसे माइग्रेन की शिकायत होती है, तेज सर्द होता है तो तेज नस जो होती है हमारे इसकी सर की, वो नस पड़ सकती है, उसकी वजह से भी क्या है व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक सोचनीय योग्य बात है, और हमारे को पता भी होनी चाहिए कि साहब ये जो है हाई बी पी है वो एक क्रिटिकल कंडीशन है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। अब देखो क्या होता है कि सिम्टम हमने देख लिए, लेकिन हमारे को सिम्टम से कोई मतलब नहीं है, सिम्टम हम जानते हैं लेकिन हमारे को इससे बचना है। तो देखो ये चीज़ें क्यों होती है, इसके बहुत सारे रीजन होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि जनरली तुमने देखा होगा कि जो हाई बीपी होती है, जो जनरली जो हाई बीपी होती है वो किन व्यक्तियों के होती है, जनरली जो हाई बीपी की जो प्रॉब्लम है वो किस में देखने को मिलती है, मोटे आदमियों में देखने को मिलती है, ठीक है, मोटे व्यक्ति के अंदर ये जो प्रॉब्लम है ये देखने को मिलती है। और मोटा जो व्यक्ति होता है वो किन चीजों का सेवन करता है, जैसे मैं कह दूं जंक फूड, बाहर की चीजें, ठीक है ना, बाहर की चीजें तो सब जानते हो आप, चाउमीन बर्गर वगैरह बंद डिब्बे में पैक आता है, बहुत ज्यादा वो मिठाई खा रहा है, ठीक है, मिठाइयां बहुत ज्यादा खा रहा है, वसा युक्त तो वो भोजन कर रहा है, ठीक है, वसा जिसमें वसा की मात्रा ज्यादा हो, तो ये चीज़ उसके अलावा भी होता है, शराब पीने वाले व्यक्ति में भी होता है, ऐसी बात नहीं है ना कोई शराब वगैरह सेवन करता है, ठीक है, तो जितने भी टॉक्सिक एलिमेंट कह दो या फिर ये जंक फूड वगैरह कह दो, तेलीय युक्त पदार्थ कह दो, ये जो चीज़ होती है ये व्यक्ति के अंदर क्या होती है कि बीपी को बढ़ाने वाली होती है। तो इस प्रकार की चीज़ों का एक तो सेवन हमारे को कम करना पड़ेगा, ओके, उसके अलावा देखो क्या होता है, उसके अलावा निदान जो है हाई बीपी के क्या हो सकते हैं, निदान क्या हो सकता है कि एक तो इनको बंद करो, और उसके अलावा कि हमारे को पोटेशियम युक्त भोजन खाना चाहिए, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम युक्त, जैसे हमारे को मिल्क के अंदर कैल्शियम वगैरह मिलता है, तो इसी प्रकार हमारे को ऐसा भोजन खाना चाहिए, युक्त भोजन, यानी कि ऐसा भोजन यूज लो जिसके अंदर पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा हो, ठीक है, लगातार दूध लो, ठीक है। उसके अलावा कि इस प्रकार का जब भोजन करेंगे तो हमारी जो शरीर है उसकी जो धमनियां हैं वो धमनियों की दीवारें मोटी नहीं होगी, प्लस में हमारा जो रक्त का जो पंपिंग है वो सही तरीके से चलती रहेगी। उसके अलावा क्या होता है, सबसे बड़ी बात है क्योंकि मोटापे से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो आप जानते हो कि व्यक्ति को लगातार लगभग 30 मिनट व्यायाम करो, ठीक है, व्यायाम का मतलब क्या हो गया, पैदल चलना, ठीक है, और प्लस में योग, तो लगभग 30 मिनट तक आपको योग डेली करना चाहिए, योग या पैदल चलना जो भी आप करते हो वो करना चाहिए, और प्लस में हमारे को शारीरिक जो परिश्रम है वो करना पड़ेगा, और वो मोटे आदमी से होता नहीं है। तो अगर वो मरना चाहता है या इस हाई बीपी से वो ग्रसित होना चाहता है तो वो नहीं करे, अन्यथा व्यक्ति को शारीरिक परिश्रम करना चाहिए। और उसके अलावा मैं निदान की बात करता हूँ तो और भी अगर ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, जो डॉक्टर होता है वो बीपी की टेबलेट देगा, ठीक है, बीपी की टेबलेट देगा। अपने आप में ज़्यादा डॉक्टर भी मत बन जाना कि साहब मैं तो खाता हूँ, अचानक बीपी बढ़ गई, अब अचानक व्यायाम करने थोड़ी बैठोगे, अचानक कुछ नहीं होता है, और आप कह दो कि मम्मी आराम से आप तो व्यायाम करो और आप काम करने लग जाओ, ऐसा नहीं होता है। अचानक यदि बीपी की प्रॉब्लम आती है तो आप डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर उसको बीपी की टेबलेट देगा, और कुछ समय बाद में रेस्ट करेगा व्यक्ति, तो रेस्ट करने के दौरान फिर क्या होगा, उसको वो जो बीपी है उसकी लेवल में आ जाएगी, ओके। तो ये चीज़ आपको बतानी थी कि साहब हाई बीपी या फिर उच्च रक्तदाब जो है वो क्या होता है, ओके बेटा। तो देखो आपका जो टॉपिक है रक्त दाब का जो टॉपिक है अब कंप्लीट हुआ है, और आपको इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है, ओके। अब जो नया टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, टाइम खराब नहीं करेंगे और लगातार हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो देखो अब जो टॉपिक है
वो है भैया, यहाँ तक आपका हो गया है, जो ह्यूमन हेल्थ की बात कर रहे थे वो टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए। अब एक नया टॉपिक आपके आएगा, और जो नया टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, टॉक्सिक सबस्टेंस। बहुत अच्छा टॉपिक है टॉक्सिक सबस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं विषैले पदार्थ, विषैले पदार्थ, ठीक है। और सब जानते हैं विषैले पदार्थ का मतलब जिसके अंदर विष होता है, जिसके अंदर हमारे शरीर में कई प्रकार के रोग होने की संभावनाएं रहती है। अब देखो इस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या हम पढ़ेंगे, मैं बता दूं आपको। सबसे पहला हम हानिकारक जो प्रभाव पड़ता है विषैले पदार्थ, हानिकारक प्रभाव, ठीक है, तो ये पहले पढ़ेंगे हम गुटखा, ओके। उसके बाद में हम पढ़ेंगे तंबाकू, ठीक है भाई। सब इस इन नामों से परिचित है, और अपने आसपास के अंदर कई व्यक्तियों को ये चीजें जो है ये सेवन करते हुए आपने देखा था, और आप उनको बता नहीं सके, क्यों? क्योंकि आप इसके बारे में जानते नहीं थे, लेकिन अब आप इसके बारे में अच्छी तरीके से जान जाओगे और आप अच्छी राय व्यक्तियों को देंगे, क्योंकि यही पढ़े लिखे व्यक्ति की पहचान होती है, ओके। तो देखो गुटखा, तंबाकू, मदिरा, जिसको देसी लैंग्वेज में दारू कहते हैं, है ना, एल्कोहल भी कहते हैं, ओके। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे अफीम, ठीक है, ओके। और उसके बाद में अन्य और नशीले पदार्थ भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे, अन्य नशीले पदार्थ, ओके। देखो यहां पे मेरे को इस नाम में थोड़ा डाउट हो रहा है कि यहां पे मैं इसको विषैले पदार्थ ना लिख के इसको मैं नशीले पदार्थ कर दूं तो और भी अच्छा रहेगा, ओके। इसको मैं विषैले पदार्थ कर देता हूँ, ओके, नशीले पदार्थ, ठीक है, नशीले पदार्थ लिख देता हूँ तो और भी अच्छा लगेगा, टॉक्सिक एलिमेंट या टॉक्सिक सबस्टेंस या नशीले पदार्थ, ठीक है भाई। तो देखो बेटा ये चीज़ें हम पढ़ेंगे इसके अंदर, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और ऐसी नॉलेज भी मिलेगा आपको बहुत सारा, और इस नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। पहला टॉपिक गुटखा, तो देखो सब परिचित है भैया इससे गुटखा, ठीक है भाई। गुटके के ऊपर एक बात याद आ गई, चलो वो बात बाद में बताऊंगा, अभी आप पढ़ लो। वो गुटके पे नहीं है वैसे, गुटके के साथ साथ एक और आता है तंबाकू, है ना, जो तंबाकू के अंदर जो आती है ना मिराज टाइप की वो पुड़िया आती है, तो उसकी बात है। बीड़ी सिगरेट के अंदर भी बढ़ते हैं जो तंबाकू, उसकी बात है, तो वो बाद में आपको बताऊंगा। तो देखो पहले गुटका में स्टार्ट करता हूँ। सब जानते हो गुटका जो होता है वो क्या होता है कि एक ऐसी चीज़ होती है जो रासायनिक पदार्थों के द्वारा बनाया जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि कुछ जो है क्या करते हैं, इसके अंदर सुपारी के दाने होते हैं, ठीक है, सुपारी डालते हैं इसके अंदर, कुछ मात्रा में कत्था भी डालते हैं, ठीक है, और कुछ मात्रा में जो धातु होते हैं, धातुओं के वक्र होते हैं ना, धातुओं के वर्क, ठीक है, कुछ ऐसे पदार्थ तुमने देखो अगर जैसे काजू की कत्ती वगैरह होती है उसके ऊपर वो लगी रहती है पन्नी, उस टाइप से, और भी इसके अंदर डालते हैं, और उसके अंदर कुछ ऐसी रासायनिक चीज़ें हैं जो रासायनिक चीज़ें वो डालते हैं, रासायनिक चीज़ों में जैसे खुशबू बढ़ाने के लिए, खुशबू अच्छी आए उसके लिए, तो ऐसी चीज़ें इसके अंदर मिला के इसको बनाते। तो देखो बेटा कि ये जो चीज़ होती है, जो ये चीज़ आप बना रहे हो, ये चीज़ तो आपको बेसिकली बता दी, उसके अलावा भी कई ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे ये बनता है वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें होती है, ऐसे ऐसे रसायन होते हैं जो इसके अंदर मिक्स होते हैं, क्योंकि ये तो है नहीं आराम से वो हाथों से इसको बना रहा है, वो जब बनाता है तो एक बड़े एरिया के अंदर वो बनाता है, और वहाँ पे बिखरे पड़े रहती है हर चीज़ें, और उसके अंदर अनेक प्रकार की जो चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक वो चीज़ें इसके अंदर मिलाई जाती है, ओके। तो देखो अब क्या है कि बाजार के अंदर हर एक दुकान पे, हर एक दुकान पे, हर एक किलोमीटर या आधे किलोमीटर की दूरी पे आप जाओगे तो ये चीज़ आपको उपलब्ध मिलेगी। अब आप सब जानते हो, आपने सुना होगा कि साहब इससे कैंसर होता है, ठीक है, बिल्कुल होता है, इससे कैंसर होता है, आप लोगों को बता सकते हो कि साहब इससे कैंसर होने की संभावना रहती है, क्योंकि लगातार यदि आप गुटखे का सेवन करोगे तो आपकी जो जीभ, गला, ठीक है, या मुंह के किसी भी भाग के अंदर जो है वो कैंसर होने की संभावनाएं बनेगी, श्योर है कैंसर होने की संभावना रहेगी। और बेसिकली जो कैंसर होता है वो कैसे होता है इसके अंदर, इसमें क्या होता है कि लगातार जो गुटखे का जो सेवन करता है जो व्यक्ति, उस व्यक्ति के आप देखना
कि उसका जो जबड़ा होता है ना वो पूर्ण रूप से नहीं खुलता है, उसका जो जबड़ा होता है अपने ऐसे जबड़े को खोल के उसके अंदर डालना, आप अपनी जो अंगुली है वो डाल के देखना, उसका जो जबड़ा होता है वो जकड़ जाता है, वो जबड़ा पूरा तरीके से खुल नहीं पाता है, खाना खाने में उसको दिक्कत आती है, थोड़ा सा मुँह खोल पाता है और फिर वो खाता है। तो ये जो जबड़ा होता है, जो जबड़ा होता है वो क्या होता है, जकड़ जाता है, जकड़ जाता है और जबड़ा खुलना बंद हो जाता है, यानी कि पूरा जबड़ा है वो खुलता नहीं है। तो जबड़े के अंदर जो है ये पकड़ करता है ये गुटका, और उस जबड़े को क्या होता है वो बांध लेता है, उसको जकड़ लेता है, और ये जो रोग होता है इस रोग को हम बोलते हैं सब म्यूकस फाइब्रोसिस। ये टर्म आपको याद रखनी पड़ेगी, यही क्वेश्चन इससे बनता है गुटके से, बाकी गुटके में कोई क्वेश्चन नहीं है भैया, ये थोड़ी पूछेंगे कैंसर होता है सबको पता है, केवल इसके अंदर ये टर्म है एक निकल के आई है सब म्यूकस फाइब्रोसिस, ठीक है, ये एक टर्मिनोलॉजी है, और ये जो टर्म है ये क्या बताती है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस, ठीक है, इसका मतलब होता है कि गुटखा लगातार खाने की वजह से हमारा जो जबड़ा है वो सही ढंग से खुल नहीं पाता है, और उसकी वजह से जबड़े के अंदर कैंसर होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है, और ये जो जबड़े का जो जकड़ना या जबड़े का नहीं खुलना ये क्या कहलाता है, ये सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग है। तो आप यदि किसी व्यक्ति को ये जाके बताते हो कि बेटा तेरे ये सब म्यूकस फाइब्रोसिस रोग हो चुका है, और अब आगे इस रोग का जो लक्षण है वो कब तेरे को पता चलेगा, जब आपको कैंसर होगा तब आपको पता चलेगा, तो ये जो सब म्यूकस फाइब्रोसिस जो रोग है जबड़े का ना खुलना तरीके से, ये रोग क्या करता आगे कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ाता है। तो यही होता है कि साहब इस गुटखा खाने से लगातार सब म्यूकस फाइब्रोसिस जो है जबड़े के अंदर हो जाता है, ठीक है। तो एक छोटा सा टॉपिक है और ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लगातार जो है गुटके का सेवन करने से हमारा जो जबड़ा है वो सही रूप से खुल नहीं पाता है, इस रोग को या इस कमी को हम क्या बोलते हैं, सब म्यूकस फाइब्रोसिस। ओके बेटा, तो ये था हमारा गुटका, पहला जो नशीला पदार्थ है वो था गुटका। दूसरा देखो भैया, अभी मैंने बात की थी तंबाकू, ठीक है, टोबैको, इसको इंग्लिश में लिखते हैं टोबैको, ओके, तंबाकू। अभी मैंने कहा था कि मैं आपको एक बात बताऊंगा, तो देखो तंबाकू, अभी जो गुटका मैंने बताया था उस गुटके के अंदर क्या होता है कि जैसे दो पुड़िया में आता है, ये एक तो आता है उसका सीधा पान मसाला, ठीक है, और एक आता है उसके अंदर मिलाने वाली एक छोटा सा पाउच आता है जिसके अंदर क्या होता है तंबाकू भरा रहता है। पत्तियों की जैसी संरचनाएं होती है, पत्तियां जो होती है उन पत्तियों को पीस के बनाया जाता है, वही चीज क्या होती है तंबाकू, जो गुटके से ज्यादा हानिकारक होती है, ठीक है, और ये चीज तो बहुत ज्यादा यूज होती है, गुटका तो और भी कम हो लेकिन ये चीज तो हमारे जो पूर्वज है वो भी खाते आए और अभी भी खा रहे हैं वर्तमान के अंदर, और बच्चे जो है वो इसका सेवन भी ज्यादा करते हैं क्योंकि ये थोड़ी सस्ती होती है गुटके से, तो क्या होता है सस्ते में काम चलाने के चक्कर में इस चीज का सेवन करते हैं, और छोटी उम्र के अंदर ही बच्चे जो है वो क्या होते हैं इसके शिकार हो जाते हैं। तो देखो जो मैं बात बताना चाहता था वो बात कुछ ऐसी है, एक बार क्या हुआ कि व्हाट्सएप पे कुछ ऐसे वीडियो आते रहते हैं, है ना, बड़ा मजा आता है देखने में, कई वीडियो ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से बनाए जाते हैं। तो एक वीडियो मैंने देखा था, तो उसमें क्या था कि जो एक व्यक्ति था, एक नेता था, है ना, राहुल जी जैसे नेता थे कोई, तो भीड़ इकट्ठी की लोगों की कुछ ऐसा स्पीच देने के लिए, अब क्या था स्पीच वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन लोगों को इकट्ठा किया और गांव के जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनको इकट्ठा किया, तो गांव के लोग चले गए। अब वहां पे क्या हुआ कि वो राहुल जी वहां भाषण दे रहे थे और एक बंदा था, तो उसने क्या किया कि अपनी जो पुड़िया है वो निकाली, ठीक है, उसको हाथ पे डाला और उसके ऊपर थोड़ा बहुत चूना रखा, और चूना रखे उसको इस तरीके से वो कर रहा है रगड़ रगड़ के, और करने के बाद में क्या करते हैं कि उसको ऐसे करते हुए ऐसे ताली ऐसे, तो जैसे ही उसने ऐसे किया ऐसे करके उसको यहाँ दबाया, उससे पहले जितने भी लोग बैठे थे वो भी तालियां बजाने लग गए, तो राहुल जी को क्या हुआ जोश आ गया, वो ये सोच रहे थे कि हमारे जो भाषण है स्पीच है उसको सुन के बड़ी तालियां बज रही है, तो बड़ा उसको देख के बड़ी हंसी आई कि वो व्यक्ति क्या कर रहा था कि उस तंबाकू को झड़का रहा था ऐसे ऐसे पीट के और फिर उसको यहाँ पे दाब रहा है, पर लोग तो तालियां बजाने लग गए क्योंकि वो एक जना जब ताली बजाता है तो क्या होता है कि उसके पीछे पीछे भी दूसरे भी बजाने लग जाते हैं, तो उस दौरान क्या हुआ कि बड़ी हंसी का सा दृश्य बन गया था, वो व्यक्ति तो क्या कर रहा था फिर वो चारों ओर देख रहा है हो क्या गया तालियां क्यों बजा रहे हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता कि भैया तूने जो ताली बजाई थी तंबाकू दबाने के लिए उसी ताली पे फिर बाद में दूसरे लोग प्रेरित हो गए, उन्होंने भी तालियां बजा दी, तो ये मजाक की सी बात थी एक। तो देखो तंबाकू क्या चीज है उसको हम देखते हैं,
क्या है कि तंबाकू जो है वो और भी ज्यादा हानिकारक है, टॉक्सिक एलिमेंट है। उसमें क्या होता है, तंबाकू के अंदर बेसिकली तुमने देखा होगा कि जो तंबाकू है उस तंबाकू के अंदर क्या होता है कि एक पौधा होता है, ठीक है, मैं बता दूं इसकी प्रोसेस। एक पौधा होता है जिसका नाम है निकोटीना टोबेकम, याद रखना पड़ेगा ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, निकोटीना टोबेकम, ये एक पौधा है भैया, निकोटीना टोबेकम, ठीक है। और ये जो पौधा होता है, इस पौधे की जो पत्तियां होती है, इस पौधे की जो पत्तियां होती है उन पत्तियों को तोड़ा जाता है, ठीक है भाई, उन तक पत्तियों को तोड़ा जाता है और तोड़ के उनको फिर सुखाया जाता है और सुखाने के बाद में उन पत्तियों को पीसा जाता है। तो उन जब पत्तियों को पीसते हैं, देखो इस प्रकार की बड़ी सी लीफ होती है पीपल के जैसी, इस तरीके से लीफ होती है, उस लीफ को सुखा के और पीसा जाता है और पीसने के बाद में जो हमारे को पाउडर मिलेगा, पीसने के बाद में जो उसका लुगदी है, जो पाउडर मिलेगा, वो पाउडर जो होता है वो क्या होता है, तंबाकू होता है। और इस पाउडर के अंदर, ठीक है, पत्तियों को क्या कर लिया, पीस लिया है ना, इसको पीस लिया और पीसने के बाद में हमारे को जो चीज मिलेगी वो होता है तंबाकू। और उस तंबाकू के अंदर 1 से लेके 8% तक निकोटीन नामक, 1 से 8% तक निकोटीन नामक, नाम याद रखना निकोटीन, इसमें 2-3 टर्म ही है याद करने की, निकोटीन नामक एल्केलॉइड्स, देखो नई चीज आई है आपके सामने, निकोटीन नामक एल्केलॉइड्स, इसके अंदर क्या है, निकोटीन नामक एल्केलॉइड्स, ये देखो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। यानी कि एक पौधा है जिसका नाम है निकोटीना टोबेकम, ठीक है, उस पौधे की पत्तियों को तोड़ा जाता है, तोड़ने के बाद में उनको सुखाया जाता है, सुखाने के बाद में उनको पीसा जाता है और पीसने के बाद में जो चीज मिलती है वो क्या कहलाता है, तंबाकू कहलाता है। और उस तंबाकू के अंदर 1 से लेके 8% तक निकोटीन नामक एल्केलॉइड्स पाया जाता है। अब देखो भाई, एल्केलॉइड्स का मतलब होता है नशीला पदार्थ, ठीक है, ये एल्केलॉइड्स आपको आगे भी मिलेगा, अफीब के अंदर भी बहुत सारे एल्केलॉइड्स, इसमें तो एक ही है, इसमें तो एक ही एल्केलॉइड्स है, अफीब के अंदर आपको बहुत सारे 30 प्रकार के एल्केलॉइड्स मिलेंगे। शराब होती है ना, उसके अंदर भी क्या होता है, वो एल्केलॉइड्स होता है जो नशा पैदा करता है। अरे इसकी बात नहीं है, जो दवाइयां होती है ना, बहुत सारी दवाइयां आती है, ध्यान रखना, जैसे क्या होता है किसी को पागलपन के दौरे आते हैं या किसी को मिर्गी की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उन व्यक्तियों को भी क्या होता है कि इस प्रकार की नशीली दवाइयां दी जाती है, लेकिन वो दवाइयां देने के पीछे एक लक्ष्य उद्देश्य रहता है कि उस व्यक्ति को शांत रखना है, उस व्यक्ति को ठीक करना है, उसको आदत नहीं बनानी है, लंबे समय तक वो दवाइयां यूज करेगा तो व्यक्ति नशे में रहेगा। लेकिन ये जो तंबाकू होता है उसके अंदर क्या होता है, एक एल्केलॉइड्स होता है, एक नशीला पदार्थ होता है जिसको हम बोलते हैं निकोटीन, ठीक है ना भाई। तो देखो तंबाकू है, उस पादप का नाम भी आपको याद रह जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको ये याद रखना है कि जो तंबाकू होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है। और ये पौधा कौन सा है, निकोटीना टोबेकम, ठीक है। तो निकोटीन एल्कोहल, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि तंबाकू के अंदर किस प्रकार का एल्कोलॉइड्स पाया जाता है, तो ये क्या है, निकोटीन नामक एल्कोलॉइड्स, इस पौधे के पूरे भाग से एल्कोलॉइड्स मिलता है, इस पौधे के जो कहते हैं कि इसका जो तना होता है उससे भी मिलता है, पत्तियों से मिलता है, लेकिन पत्तियों से क्या होता है, इसका ज़्यादा मिलता है, ठीक है बेटा। तो देखो इस टॉपिक को आज मैं यहीं कंप्लीट करूंगा, क्योंकि थोड़ा मुझे काम है, तो अगला जो टॉपिक है वो नेक्स्ट कल करेंगे, ठीक है बेटा। तो इसको, इस टॉपिक को वापस हम लेंगे और कल अच्छी तरीके से मैं आपको ये वापस बताऊंगा, ओके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, थैंक यू बेटा, ओके।